एक दूसरे पे गाली गलौच नहीं की जाए। हमारी ख्वाहिश है कि इसमें वोटों की खरीदो फरोख्त न हो। पीटीआई सेनेट उम्मीदवार डॉक्टर हफीज शेख का शफाफ इंतखाबात की ख्वाहिश का इजहार। कहा, जिस उम्मीदवार को ज्यादा वोट देंगे वो जीत जाएगा। ये मेरा और यूसुफ रजा गिलानी का नहीं, दो सियासी कुव्वतों का मुकाबला है। यूसुफ रजा गिलानी सियासी जोड़ तोड़ के लिए कराची में मौजूद। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने समंदर पार मियां नवाज शरीफ को फोन घुमाया। सियासी सूरतेहाल और लॉन्ग मार्च पर भी गुफ्तगू। मुफाहमत के बादशाह ने गिलानी की भी मियां साहब से बात करवाई। नवाज शरीफ ने सेनेट इलेक्शन में ताउन की यकीन दहानी करवाई। गिलानी का भी जेल में छोटे मियां से मुलाकात के लिए जाने का वादा। इलेक्शन कमीशन ने डस्का एनए 75 के नतायज रोकने की हिदायत कर दी। प्रिजाइडिंग अफसरान के लापता होने और ताखीर से वापसी की तहकीकाती रिपोर्ट तलब। इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद नतायज जारी करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन क्या करता है देखते हैं। जब तक इलेक्शन चुराए जाते रहेंगे ये मुल्क नहीं चलेगा। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, प्रिजाइडिंग अफसरान को ले जाने वाली जमीनी मखलूक न थी। सिविलियन कपड़ों में, सिविलियन गाड़ियों में वहां पर लोग आए जो प्रिजाइडिंग अफसर को भी और वोट के थैले भी उठा कर ले। मसरूर के साथ मलहका जो यूसीज और देहात है उनके रिजल्ट्स जो हैं वो तखीर से आए हैं और उसमें कोई ऐसी बदनीति नहीं थी, क्योंकि अगर वो बदनीति होती तो व्हाट्सएप पे वो रिजल्ट्स पहले ना आरओ को मिल जाते। कोई बददियानती नहीं, नतीज तो व्हाट्सएप पर आ ही गए थे। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, नून लीग के रहनुमाओं ने सारे रिटर्निंग अफसर को खुद यरगमाल बनाकर रखा और इल्जाम हम पर लगा रहे हैं। पीटीआई ने डस्का इलेक्शन में जीत का दावा भी कर दिया। फयाज चौहान कहते हैं, पीटीआई की फतह रियासत मुखालिफ लीगी बयानिए के मुंह पर तमाचा है। शहबाज गिल कहते हैं, जहां से नून लीग जीते वो सही, जहां से हारे वहां धांधली। एनए 45 क्रम पर पीटीआई ने मैदान मार लिया। तमाम 134 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज मौसूल। फखर जमान 16,911 वोट लेकर कामयाब हुए। आजाद उम्मीदवार सैयद जमाल दूसरे नंबर पर रहे। जेयूआई के मलिक जमील ने 10,914 वोट लिए। नौशहरा PK-63 में तहरीक इंसाफ को अपसेट शिकस्त। वजीर आला महमूद खान ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। मुआवन खसूसी इतलात कामरान बंगश कहते हैं, शिकस्त की वजह पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात बने, जो जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इलेक्शन या जंग, डस्का में सारा दिन हंगामा होता रहा। बैलेट्स के दिन बुलेट्स चलती रहीं, दो अफराद की जान गई, 7 जख्मी हुए। जहां भाग होने वाले तहरीक इंसाफ के कारकुन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाली भर्तियों और ठेकों का जुर्म साबित। साबिक चेयरमैन निसार मुराई को मजमुई तौर पर 11 साल कैद की सजा सुना दी गई। दीगर 3 मुलजमान को 7-7 साल कैद का हुक्म, 1-1 करोड़ जुर्माना आयद। निसार मुराई का नैब कोर्ट के फैसले के खिलाफ बड़ी अदालत जाने का ऐलान। हम जियाले हैं, पीपल्स पार्टी के जियाले हैं, हम सर कटा तो सकते हैं। टीवी ही नहीं, स्टेडियम में क्राउड, ग्रुप और मैच दोनों देखेगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट मेला आज शुरू हो रहा है। इफ्तिताह होगा शायाने शान, नातिफ असलम, इमरान खान, हुमैमा मलिक लाइव रंग जमाएंगे। नसीबुल्लाह, लाइमा बेग, यंग स्टनर्स रिकॉर्डेड जश्न मनाएंगे। PSL का इंतजार सिर्फ क्रिकेटर्स ही नहीं दूसरे खिलाड़ियों को भी है। रुस्तम में पाकिस्तान इनाम बट तमाम मैचेस देखेंगे। नेशनल बैडमिंटन चैंपियन माहौर शहजाद इवेंट एंजॉय करने को तैयार। को पहमा असद मेमन कराची किंग्स के सपोर्टर। काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात है कि PSL 6 शुरू होने वाला है कल से, और सबसे अच्छी ये भी बात है कि 20% क्राउड को अलाउ किया जा रहा है मैचेस देखने के लिए। तो मैं लाहौर में पैदा हुई हूँ और कराची में रहती हूँ, तो इसलिए मेरी सपोर्ट लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स दोनों के साथ है। इस आने वाली PSL के सीज़न 6 में कराची किंग्स को सपोर्ट करता हूँ एंड आई होप वो अच्छी कारकर्दगी और अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगे और इस सीज़न को जीतेंगे।
इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने हलीम आदिल और दीगर मुलजमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। दौरान समा जज खालिदा यास्मीन से दिलचस्प मुकालमा। जज ने पूछा, सांप मारना नहीं आता, पांव रख देते। हलीम आदिल शेख ने जवाब दिया, सांप मार देता तो सिंध हुकूमत हिल जाती। जज साहिबा बोली, उस सांप की बात कर रही हूँ जो कमरे से निकला था, आप दूसरे सांपों की बात कर रहे हैं। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस में अहम पेशरफ। मरकजी मुलजिम आतिफ जमान पर 1.5 साल बाद पर्दे जुर्म आयद कर दी गई। अदालत ने 6 मार्च को गवाहों को तलब कर लिया। सात माह में टैक्स हदफ पूरा करने पर वजीर आजम की जानब से FBR की तारीफ। ट्वीट किया कि FBR ने सख्त ऑडिट, इंसदाद स्मगलिंग के इकदाम से हदफ हासिल किया। नए निजाम से जालसाजी की रोकथाम में मदद मिलेगी और इजाफी टैक्स वसूली होगी। पाकिस्तान कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। डॉक्टर फैसल सुल्तान का ट्वीट, लिखा, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन मार्च के शुरू में पाकिस्तान पहुंचेगी। 60 साल और उससे ज्यादा उम्र के अफराद कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर 1166 पर भेजें। मैसेजेस के जरिए हिदायत दी जाएंगी। फूलों के शहर का बुरा हाल। बोलो पेशावर में पहाड़ी पुरा के रिहायशी की कहानी। पीने के पानी की लाइनों का गंदे नालों से गुजर, नहरें भी नाले बन गईं, कचरे और तजावुजात की भरमार। कराची के सुजानी टाउन में यूसुफ कोट के मकीनों को खतरा। 1 साल से गैस लाइन में लीकेज, कई हादसे हो चुके लेकिन लीकेज ना रोकी गई। और लाहौर के मॉडल टाउन में तुर्क और मराकेश फन तामीर का शाहकार। 22 गुंबदों वाली शेखुल इस्लाम मस्जिद, खूबसूरत फानूस और नक्शो निगार से सजी मस्जिद का दरवाजा, मस्जिद नबी के गेट डिजाइन करने वाले आर्किटेक्ट से बनवाए गए हैं।